हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर फर्स्ट माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाय ब्रूकर डी वॉशिंगटन, जो आपको कल पढ़ाया गया था, उसके तीन पैराग्राफ पढ़ाए गए थे, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जो राइटर है वो जाने के लिए तैयारी कर रहा था, उसके भाई ने उसकी सहायता की। हालांकि उसके भाई ने पूरी तरीके से उसकी सहायता की, किंतु वो उसके लिए पर्याप्त नहीं थी। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। फाइनली द ग्रेट डे केम एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन। फाइनली अंत में ग्रेट महान डे दिन केम आया, अंत में वो महान दिन आ गया। एंड और आई में स्टार्टेड शुरू किया, हैम्पटन, हैम्पटन जगह का नाम है। अंत में वो महान दिन आ गया जब और मैंने हैम्पटन जाने अपनी यात्रा शुरू की। आई हैड ओनली अ स्मॉल, आई में हैड पास में ओनली केवल स्मॉल छोटा, मेरे पास में केवल छोटा सा चीप सैचल दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट। मेरे पास में एक छोटा सा चीप सस्ता सैचल, कंधे पर लटकाया जाने वाला छोटा थैला, दैट जो कंटेंट रखा हुआ था फ्यू कुछ आर्टिकल्स चीज़ें ऑफ काकी के क्लॉथिंग कपड़ा आई में कुट सकता था गेट पाना। तो मेरे पास में एक सस्ता सा छोटा कंधे पर लटकाया जाने वाला थैला था, जिसमें कुछ कपड़े कपड़े की वस्तुएँ कपड़े मतलब रखे हुए थे जो मैं पा सकता था। My mother at the time was rather weak and broken in health. My mother, मेरी माता at the time उस समय was थी rather अपेक्षाकृत weak, कमज़ोर and or broken टूटी इनमें health, स्वास्थ्य। मेरी माता उस समय अपेक्षाकृत अत्यधिक कमज़ोर थी और उनका स्वास्थ्य उत्तम नहीं था। I hardly expected to see her again. I में hardly मुश्किल से expected उम्मीद किया सी देखना हर उनको अगेन दोबारा, मैं मुश्किल से उन्हें दोबारा देखने की उम्मीद कर सकता था। एंड दस आवर पार्टिंग वॉज ऑल द मोर सैड, एंड और दस इसलिए इस प्रकार और हमारा पार्टिंग बिछुड़ना विदाई वॉज थी ऑल सभी मोर अधिक सैड दुखी, इस प्रकार हमारा जो बिछुड़ना था वो अधिक दुख से भरा हुआ था। शी हावेवर वॉज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, शी हावेवर हालांकि वॉज थी वेरी बहुत ब्रेव बहादुर थ्रू से इट या ऑल सभी, हालांकि वो इन सभी के दौरान जो घटनाएं घटित हुई यानी मेरा जो जाना था इन सभी के दौरान वो बहादुर बनी रही ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट वेरा द डिस्टेंस फ्रॉम माल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स। डिस्टेंस दूरी फ्रॉम से माल्डन जगह का नाम, हैम्पटन जगह का नाम, इज़ अबाउट लगभग 500 माइल्स यानी 500 मील। तो माल्डन से हैम्पटन की जो दूरी थी वो लगभग 500 मील थी। By walking, begging rides, both in wagons and in the cars, in some way, after a number of days, I reached the city of Richmond, Virginia, about 82 miles from Hampton. By walking, yani पैदल चलने के द्वारा, begging प्रार्थना करना, rides सवारी करना, both दोनों, इन में wagons and in the cars, यानी गाड़ियों और कारों में, इन में समवे किसी प्रकार, आफ्टर बाद में, नंबर ऑफ डेज यानी कुछ दिनों के बाद, आई में रिज पहुंचा सिटी शहर ऑफ काकी के रिचमंड, वर्जीनिया, वर्जीनिया राज्य के रिचमंड शहर में, अबाउट लगभग 82 मील फ्रॉम से हैम्पटन जगह का नाम, जो कि हैम्पटन से 82 मील की दूरी पर था। मैं पूरी लाइन आपको समझा देता हूँ कि पैदल चलने के द्वारा तथा गाड़ियों और कारों में सवारी करने की भीख मांगने के द्वारा यानी प्रार्थना करने के द्वारा किसी प्रकार कुछ दिनों के बाद मैं वर्जीनिया राज्य के रिचमंड शहर पहुंचा, जो कि हैम्पटन से 82 मील की दूरी पर था। व्हेन आई रीच देयर टायर्ड हंग्री एंड डर्टी इट वाज लेट इन द नाइट। व्हेन जब आई मैं रिच पहुंचा देयर वहां टायर्ड थका हुआ हंग्री भूखा एंड और डर्टी गंदा इट वॉज था लेट देयर इन मे नाइट रात। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तब मैं भूखा थका हुआ और गंदा था और बहुत रात हो चुकी थी, रात का समय था। नेक्स्ट पैरा आई हैड नेवर बीन इन अ लार्ज सिटी एंड दिस रैदर एडेड टू माई माइजरी। आई मैं हैड सेड या नेवर कभी नहीं बीन रहा इनमें लार्ज बड़े सिटी शहर, मैं कभी भी बड़े शहर में नहीं रहा। एंड और दिस या रैदर अपेक्षाकृत एडेड जोड़ दिया माई मेरा माइजरी परेशानी, और इसी बात ने मेरी परेशानी में और भी चीज़ें जोड़ दी, मेरी परेशानी को बढ़ा दिया कहने का मतलब, क्योंकि मैं कभी किसी बड़े शहर में रहा नहीं तो वहाँ रहने का मैं अभ्यस्त नहीं था, और जब मैं अब इस बड़े शहर में आया हूँ तो मेरी परेशानी बढ़ गई कि अब मैं क्या करूँ।
When I reached Richmond, I was completely out of money. When जब I मैं reached पहुँचा Richmond, I मैं was था completely पूरी तरीके से out. अब मेरे पास समाप्त हो चुका था ऑफ काकी के मनी धन. जब मैं Richmond पहुँचा तो मेरे पास धन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका था. I had not a single acquaintance in the place and being unused to the city ways, I did not know where to go. आई मैं ऐड्स आई गया नॉट नहीं आज सिंगल एकमात्र एक्विंटेंस का मतलब होता है आपका कोई भी परिचय. इनमें प्लेस स्थान एंड और बींग होना अनयूज अनभ्यस्त सिटी वेज शहर के रास्तों का. आई मैं ऐड्स आई गया नॉट नहीं नो जानना वेयर कहाँ गो जाना. कह रहे हैं उस शहर में उस जगह पर उस स्थान पर मेरा कोई भी एकमात्र परिचय नहीं था और मैं शहर के रास्तों का अनभ्यस्त था. बड़े शहरों में मैं कभी नहीं गया था इस वजह से मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ जाना है. आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग बट दे ऑल वॉन्टेड मनी एंड दैट वॉज वॉट आई डिड नॉट हैव. आई मैं आसमान ने पूछा सेवरल अनेक प्लेसेस स्थान फॉर के लिए लॉजिंग यानी आश्रय के लिए रुकने के लिए. मैंने अनेक स्थानों पर रुकने के लिए आश्रय के लिए पूछा बट किंतु दे वे ऑल सभी वॉन्टेड चाहते थे मनी धन किंतु वे सभी धन चाहते थे. एंड दैट वॉज एंड और दैट वॉज था वॉट जो आई मैं डिड सा गया नॉट नहीं हैव मैंने पास में और यही वो वस्तु थी जो मेरे पास नहीं थी. नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू आई वॉकड द स्ट्रीट्स. नोइंग जानकर नथिंग कुछ नहीं बेटर अच्छा डू करना मतलब क्या करूँ इस ये इस बारे में कुछ भी ना जानकर कि मैं क्या करूँ. आई वॉकड आई मैं वॉक टहलता रहा स्ट्रीट्स गलियों में मैं गलियों में टहलता रहा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या. नेक्स्ट पैराग्राफ आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिडनाइट. आई मैं मस्ट अवश्य ऐसा क्रिया वॉक टहलना स्ट्रीट गली टिल तक आफ्टर बाद में मिडनाइट आधी रात अर्धरात्रि अवश्य ही मैं आधी रात तक गलियों में टहलता रहा. At last I became so exhausted that I could walk no longer. At last अंत में आई मैं बिकेम हो गया सो इतना exhausted यानी थक गया that कि आई मैं कुछ सका walk चलना no longer और अधिक कि अंत में मैं इतना अधिक थक गया कि मैं और अधिक नहीं चल सका. I was tired, I was hungry. आई मैं वास था tired थका हुआ. आई मैं वास था hungry भूखा. मैं थका हुआ था मैं भूखा था. I was everything but discouraged. आई मैं वॉज था एवरीथिंग सब कुछ बट किंतु डिस्करेज्ड यानी निराश नहीं था. मैं सब कुछ था मैं भूखा था थका था गंदा था सब कुछ था लेकिन निराश नहीं था. ये लाइन बहुत ही जो है इंस्पिरेशनल लाइन है बहुत ही अच्छी लाइन है. जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉस्टन आई केम अपॉन अ पोर्शन ऑफ अ स्ट्रीट वेयर द ब्रॉड साइडवॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड. व्हेन जस्ट बस अबाउट लगभग टाइम समय ये वही समय था व्हेन जब आई मैं रेस पहुंचा एक्सट्रीम अत्यंत फिजिकल शारीरिक एक्सॉशन थकान ये वही समय था जब मैं अत्यंत शारीरिक थकान तक पहुंच गया. आई मैं केम आया अपॉन पर पोर्शन भाग ऑफ काकी के स्ट्रीट गली वेयर जहां ब्रॉड चौड़ा साइड वॉक यानी फुटपाथ नहीं होता जो रोड पर चलने के लिए वॉज था कंसिडरेबली एलिवेटेड यानी बहुत अच्छी तरीके से वहां पर बना हुआ था. मैं गली के उस स्थान पर आ गया जहाँ पर चौड़ा फुटपाथ जो है वो अच्छी तरीके से वहाँ पर बना हुआ था स्थित था. आई वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाय कुड सी मी. आई मैं वेटेड इंतजार किया फॉर के लिए फ्यू मिनट्स कुछ मिनट टिल तक आई मैं वॉज था श्योर निश्चित दैट कि नो पासर बाय यानी कोई भी राहगीर कुड सकता था सी देखना मी मुझे. मैंने उस समय तक इंतजार किया जब तक कि मैं निश्चित ना हो गया कि कोई राहगीर मुझे देख नहीं सकता था. एंड देन क्रैप्ट अंडर द साइडवॉक एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड एंड और देन द क्रैप्ट रेंग गया अंडर नीचे साइडवॉक वही फुटपाथ एंड और ले लेटर ऑफ फॉर के लिए नाइट रात ऑन पर ग्राउंड जमीन और उसके बाद मैं उसी फुटपाथ के नीचे लेट गया और उसके बाद रात भर जमीन पर लेटा रहा और रेंग गया और रात भर जमीन पर लेटा रहा. With my satchel of clothing for a pillow, with साथ में my satchel वही झोला of काकी के clothing कपड़ा for के लिए pillow तकिया और मैंने जो है अपने जो मेरे पास कपड़े का कपड़े वाला जो थैला था उसको मैंने तकिए के रूप में इस्तेमाल किया. Nearly all night I could hear the tramp of feet over my head. Nearly लगभग all night पूरी रात आई मैं कुट सका hear सुनना
ट्रैम्प, कदम ताल, कदम की आवाज़, पैरों की आवाज़, ऑफ काकी के फीट पैर, ओवर ऊपर माई मेरे हेड सर, और लगभग सारी रात मैं अपने सर के ऊपर पैरों की आवाज़ सुनता रहा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो अपनी बुक साथ में रखिएगा और अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा, बाकी का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।